हालेलुया। आज नवंबर का पहला वीक है। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमको चुना है। आमेन। परमेश्वर ने क्यों चुना है हमको? हम दलदल में थे, सत्यानाश के गड्ढे में थे, वहां से उठाया परमेश्वर ने और अपना बनाया। क्या वजह थी, क्या वजह है और क्या परमेश्वर चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यूहन्ना 15:16 कि तुम मुझे नहीं चुनते हो, मैं तुम्हें चुनता हूं और चुनकर नियुक्त करता हूं ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमेन। हमको चुना है ताकि हम फलवंत हो, हमको चुना है ताकि हम फल लाए। प्रेज द लॉर्ड। हम फल किसे कहते हैं? जो आपके जीवन को सुख दे, जो आपकी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करे, आप उसे फल कहते हैं? आप समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है अपने सुख के लिए, हमारी अच्छी नौकरी हो, हमारा अच्छा पैसा हो, हमारा अच्छा धंधा हो, घर में सुख शांति हो? हम शरीर के सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं और यही शायद हम समझते हैं कि हमारे घर में अच्छा हो, हमारे धंधे में अच्छा हो, लेकिन परमेश्वर इस फल को फल नहीं मानता है। हालेलुया। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। वो कहता तो मेरे राज्य की खोज करो, तुम्हें यूं ही मिल जाएगा, आराम से ये चीजें मिल जाएंगी। हम सुबह से शाम तक इसके पीछे भागते हैं, पसीना बहाते हैं, परिश्रम करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। हम अगर यीशु के बिना कुछ करना भी चाहेंगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप। आज मैं आपको साबित करूंगा, बाइबल में कुछ लोगों ने यीशु मसीह के बिना करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने हमें क्यों नियुक्त किया है? ताकि हम फल लाएं। कौन सा फल? आत्मा का फल। परमेश्वर ने हमें क्यों छुटकारा दिया है? पापों शापों से क्यों मुक्त किया है? ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन, ये जीवन हमारा अपना नहीं है। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, सच कह रहा हूं, उस प्यार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। ये है हमारे जीवन का मकसद जो प्रभु चाहता है। किसी न किसी रूप में आप परमेश्वर का संदेश दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो फल आ सके आपके जीवन में जो परमेश्वर चाहता है, ताकि आप दूसरों के जीवन में फल बन सकें। हालेलुया। एक छोटा सा वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 21:18-19। हालेलुया। जोर से पढ़िए, मत्ती 21:18-19 जोर से पढ़िए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, अब ये यीशु मसीह यरूशलेम से भोर को जब नगर की तरफ जा रहा था, देखिए आप एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए। हालेलुया। बोलिए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर के पेड़ तुरंत सूख गया। आमेन। हालेलुया। अंजीर का पेड़ किसने लगाया था? हेलो, मुझसे बात करिए, किसने लगाया था? हालेलुया। उसके पत्ते तो थे लेकिन फल नहीं थे। आज बहुत से मसीह हैं जो पत्ते लिए घूम रहे हैं, जो मसीह को लेके, मसीह का
आवरण लेके घूम रहे हैं, मसीह को लेकर नहीं घूम रहे, जो पत्ते लेकर घूम रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, एक पत्ता है, हालेलुया, पत्ता है। स्वभाव में, स्वभाव के अनुसार घुसने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं है, हालेलुया, फल नहीं है। आपके अंदर फल नहीं है, आप फल नहीं ला रहे क्योंकि आपके अंदर फल नहीं है, आप उस फल को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। ये अंजीर के वृक्ष के अंदर फल नहीं था, पत्ते थे सिर्फ, ये शो कर रहा था कि मैं फलवंत हूं। ये अंजीर का वृक्ष शो कर रहा था, दूर से देखा यीशु मसीह ने तो सोचा कि फल है उसके पास, पास में गया तो फल नहीं थे। हालेलुया, आज का मसीह ऐसा ही है। आप दूर से दिखाते हैं अपने पास बाइबल होती है आपके पास, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप मसीह बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके अंदर फल नहीं है, आप फल नहीं ला रहे हैं, पत्ते हैं आपके पास ये दिखाने के लिए कि हम मसीह हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु का स्वभाव आप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर वो बोझ नहीं है। आप उस कीमत को नहीं समझ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर आपको दे चुका है, आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। आप अपने पास जो धन दौलत है उसकी कीमत को तो समझ रहे हैं, जो परमेश्वर ने दिया है उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं आप। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हर बार जब भी किसी को चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कौन सा विश्वास है आपके पास? किस विश्वास की यीशु कद्र करता है? आपके पास जो विश्वास है, कौन से विश्वास की यीशु कद्र करना करता है और कौन सा विश्वास यीशु आप में देखना चाहता है? आप कहेंगे मेरे पास विश्वास है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपको पापों श्रापों से मुक्त किया है। आप विश्वास करते हैं कि क्रूस पर आपके पापों को यीशु मसीह ले चुका है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपका विश्वास ये है। लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह कौन सा विश्वास देखना चाहता है आप में? अगर आप यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों को लेकर क्रूस पर मर गया, अगर उसने आपके पापों को क्रूस पर ले लिया है तो इसका मतलब आप पवित्र हैं। आमीन, आप में कोई अपवित्रता नहीं है क्या? आप यह विश्वास करते हैं? यीशु मसीह कौन सा विश्वास देखना चाहता है आप में? यीशु मसीह देखना चाहता है आप में यह विश्वास कि आप ये माने, विश्वास करें कि आप पवित्र हैं, आप पवित्रता की जीवन जी रहे हैं, मैं पवित्र हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप संदेह में जी रहे हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं पाप, कभी कभी आप बोल रहे हैं पाप, आप देख रहे हैं पाप और आप समझ रहे हैं आप पाप में। हालेलुया, बाइबल कहती है कि उसने आपको पापों से मुक्त किया है। हालेलुया, लेकिन हमें उस पवित्रता को महसूस करना कि आई एम प्योर। यस, जिस दिन आप ये महसूस करेंगे कि आप प्योर हैं, आप पवित्र हैं, आप किसी भी गलत चीज को अपने अंदर नहीं आने देंगे। हालेलुया, आप दूध लाते हैं, दूध बाजार से दूध लाते हैं, उसको उबालने के लिए बर्तन को अच्छी तरह साफ करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जरा सा भी गंदगी दूध खराब कर देगी। एक बूंद भी नमक, एक बूंद भी नींबू का रस दूध को खराब कर देगा, ये आप जानते हैं। इसलिए कुछ भी गंदगी आपके बर्तन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि दूध पवित्र है, दूध शुद्ध है। इसी तरीके से हमें अपने आप को देखना है, हम पवित्र हैं,
हम यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, हमारा सिर्फ इतना विश्वास करना सही नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा मर के जिंदा हो गया और हम वही जिंदगी जी रहे संसार में। यीशु मसीह मेरे लिए मरा किसके लिए? ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे पवित्रता, अगर मैं पवित्रता का जीवन जी रहा हूं इस धरती पर, तो मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। अगर आप रोज पाप कर रहे हैं, अगर आप रोज पाप सुन रहे हैं, अगर आप रोज पाप कह रहे हैं और उसके बाद आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, तो यीशु मसीह आपके जीवन में कोई काम नहीं कर पा रहा है। हेलो, आपका पाप में जिंदगी जीना, आपको पाप को सुनना, पाप को बोलना, पाप को देखना, शरीर के अनुसार जीवन को बिताना, अगर आप यही जिंदगी जी रहे हैं और आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, कैसे विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि आप काम तो वही काम कर रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है तेरे विश्वास के अनुसार हो, जैसा तू विश्वास करता है वैसा हो। क्यों नहीं होता आपके साथ वैसा? पहले तो आपको यह विश्वास करना कि मैं पवित्र हूं, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं, यस, मैं शुद्ध हो चुका हूं, मेरे पापों और शापों को यीशु मसीह ले चुका है, अब कोई भी पाप का विचार मेरे अंदर नहीं है, कुछ भी पाप मेरे अंदर नहीं है, ऐसा जीवन मुझे बिताना है। और फिर विश्वास करके देखिए आप, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपके जीवन में क्यों नहीं चमत्कार हो रहा है? क्योंकि आप अधूरा विश्वास कर रहे हैं, आपका विश्वास अधूरा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह मरा मरे और आपके लिए जिंदा हो गया, क्योंकि आप पवित्र खुद को समझ रहे हैं, आप अब अपवित्र चीजें देखने में खुश हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है आप पवित्र चीजें देखने में, किसी की निंदा करने में आपको मजा आ रहा है, आपको घृणा करने में अच्छा लग रहा है, आपको घमंड में मजा आता है कि मैं यार बहुत खूबसूरत हूं, आप स्वार्थ का जीवन जीने में आपको अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं पाप से नफरत नहीं कर रहा हूं तो मैं पवित्र नहीं हूं। मुझे पाप से नफरत करनी है। मैं पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पाप को मुझे मैंने सुन लिया है, मेरे मन में जाने से पहले मुझे उसको रोकना है, निकाल के बाहर करना, क्योंकि मेरा मन पवित्र है और मेरा मन मेरा शरीर का हिस्सा है और वो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं उसे पवित्र नहीं कर सकता हूं। हम सिर्फ मांगने में लगे रहते। साम 92 का 5, हम सिर्फ मांगने में लगे रहते। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमको परमेश्वर ने चुना है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अब बस मांगते रहो, परमेश्वर आज मुझे मेरी नौकरी दे दे, आज मेरा ये कर्जा निकाल दे, आज मेरी बीमारी दूर कर दे। हम सिर्फ मांगने में लगे रहते। परमेश्वर आपके स्वभाव में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने अपनी आत्मा दी है आपको। वो ये देखना चाहता है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं रोज परमेश्वर के प्रतिरूप में आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं? परमेश्वर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं है इंटरेस्टेड। ये सब कुछ रह जाएगा, एक पल में आएगा, वो कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके पास। वो इंटरेस्टेड है आपके स्वभाव को बदलना। मेरे बच्चे का स्वभाव मुझ में आए, मेरे जैसा स्वभाव मेरे बच्चे का हो जाए, इसलिए उसने अपनी आत्मा दी है।
और वो बहुत गंभीर है इस मामले में। 92 का 5 क्या कहता है? हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है जो उसने हमारे बारे में एक एक चीज सोची हुई है। आप मजाक समझते हैं, कभी चर्च आ गए, कभी चर्च नहीं आए। आज छुट्टी मिली, चर्च आ गए। आज यार थोड़ा सा काम है यार, नहीं 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 चर्च अगली बार चले जाएंगे, काम कर लो। आप गंभीर नहीं है, परमेश्वर गंभीर है। यस, उसने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं। आपको पता है कि मैं पूरा सप्ताह संडे को मुझे क्या बोलना है इसके लिए प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर से मांगता हूं। सुबह 8 बजे तक मेरा यही काम, यहां बैठे बैठे यही सोचता रहता हूं मैं, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। और कौन देता है मुझे? किसके लिए? ताकि आपका जीवन बदले। आमीन। और आप चर्च उस मूड से आई नहीं रहे जिस गंभीरता से परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है संडे को, कि मुझे अपने बच्चों को आज मिलना है और वो मुझे बुद्धि देता है, मुझे ज्ञान देता है, मुझे वचन देता है कि मैं आपको वो वचन बताऊं। लेकिन आप उस गंभीरता से चर्च आ ही नहीं रहे। आराम से आप 9:30 बजे की सर्विस है, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आराम से परमेश्वर इंतजार कर, अरे अभी तो वर्शिप चल रही होगी, वर्शिप देखेंगे, अरे अभी तो दान दशांश हो रहा होगा, उसके बाद जाएंगे, फिर आकर देखेंगे सीट आपके मन मुताबिक मिली कि नहीं मिली, फिर सीट मिली तो पास में कौन बैठा हुआ है, फिर पंखा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहीं प्रभु आता है, उसके बाद कहीं वचन आते हैं, फिर कॉपी आप लेकर नहीं आते। बाइबल का तो सवाल ही नहीं है कि किसी का पढ़ लेंगे, देख लेंगे। क्या पाना चाहते हैं आप? हालेलुया। कैसे आप आशीष पाएंगे? सिर्फ चर्च आने से आशीष मिल जाता है क्या? कैसे आपको आशीष मिलेगा? सिर्फ चर्च आने से और बैठने से, हालेलुया बोलने से मिल जाएगा आपको आशीष? कैसे मिलेगा? परमेश्वर गंभीर है, इसलिए जब आप चर्च आए गंभीर रहिए कि आज मुझे कुछ पाना है, आज मुझे कुछ लेकर जाना है। अपनी कमियों के बारे में मत सोचिए, अपने ये मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे क्या देगा। आप ये देखें कि मेरे अंदर क्या कमी है ताकि मैं परमेश्वर में एक नहीं हो पा रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर में एक होना है। सिर्फ हालेलुया बोलने से कुछ नहीं होता है। वंजीर का वृक्ष, उसमें पत्ते हैं, फल नहीं है। हालेलुया। बिना फल के वृक्ष की कोई कीमत नहीं है, डाली की कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। हमें, मेरी बहन, मेरे भाई, जब तक आप अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे नहीं आएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, नहीं होगा कुछ भी। चर्च चर्च घूमते रहिए, आज यहां जाएंगे, कल वहां जाइए, परसों वहां जाइए, बहुत चर्च है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप उन वचनों को अपने अंदर लेकर उन्हें जीवित नहीं करेंगे। मैं आपको पहले भी बोला, बाइबल की जो आज्ञाएं हैं उनको समझिए आप। लूका 9:23 निकालिए। कैसे फलवंत होंगे आप? कैसे परमेश्वर के वचन को समझेंगे आप? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आप से इनकार करे। कितने लोग यीशु के पीछे जाना चाहते हैं? हालेलुया। अपने आप का इनकार करिए, यानी कि आपके शरीर का, शरीर की अभिलाषाओं का, आपके शरीर की अभिलाषाओं का इनकार करिए। नो, आगे बढ़िए बेटा। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, और
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आमीन। अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। मैं आपको कई बार यह वचन बता चुका हूं, यह वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप चाहते हैं कि यीशु जब आपको देखे तो आप में फल हो, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके फल के द्वारा आपको याद करे और आपको यूज करे, तो आपको अपना इनकार करना पड़ेगा। आज अंजीर के वृक्ष का यह हुआ कि जब यीशु मसीह ने फल नहीं देखे वो चला गया। आज यीशु आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला, याद रखिए आप। और अगर उसने आप में फल नहीं देखे तो क्या आपको लेके जाएगा? कैसे लेके जाएगा? अंजीर के वृक्ष को छोड़ दिया उसने ना, और श्राप दिया। बाइबल में लिखा हुआ ना मत्ती 25 में, कहेगा कि मैं जो लोग प्रभु प्रभु बोलते हैं मैं उनको नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं। आप हालेलुया बोलते रहिए। हमें जब उसके अनुसार नहीं चलना है, आप जब उसके अनुसार नहीं चलेंगे, फरीसी जो थे उनकी जो शिक्षा के लिए परमेश्वर मना करता था यीशु मसीह कि फरीसियों की शिक्षा को मत ध्यान दो। वो कौन सी शिक्षा बोल रहे हैं? मत्ती 16:11-12 पढ़ के देखिए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी शिक्षा को हमें नहीं मानना है क्योंकि उनकी शिक्षा में दीनता नहीं है, प्रभु नहीं है, स्वभाव नहीं है, समानता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करेगी अगर हम वो स्वभाव के अनुसार अपने आप को नहीं बनाएंगे, नहीं तैयार करेंगे, तो हम परमेश्वर का आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। आप परमेश्वर के घर को, आप परमेश्वर के वचन को मजाक मत समझिए। यहां पर आए, आपने बपतिस्मा लिया, फिर घर गए, किसी ने प्रसाद दिया, प्रसाद खा लिया, किसी ने कुछ दिया, कुछ खा लिया, किसी ने कुछ भी क्या करने लगे, आप नहीं जानते, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। परमेश्वर आपको बनाने के लिए अति गंभीर है, इसलिए वो कहता है कि अपना इनकार रोज करो, तभी हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। रोज हमें अपने अहम का इनकार करना है, घमंड का इनकार करना है, लालच का इनकार करना है। क्यों नहीं हम बढ़ पा रहे हैं? मैं अपने कलीसिया में भी देखता हूं कि नहीं, वहीं की वहीं हैं बहनें हमारी, अभी भी छोटी छोटी चीजें हमें चुभती हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम अपना इनकार नहीं कर पा रहे हैं रोज। तभी हम उसका क्रूस उठाएंगे, तभी हम अपना क्रूस उठाएंगे और उसके पीछे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अगर समाज के सामने मेरा इनकार करोगे तो परमेश्वर के सामने मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। हालेलुया, ये यीशु ने कहा है। और यीशु मसीह ने पतरस को अपना इनकार करने दिया। मैं ध्यान से समझिए, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को अपना इनकार करने दिया, जबकि उसने कहा था कि अगर तुम मेरा इनकार सबके सामने करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। और जब पतरस की बारी आई, आपको पता है कभी कभी परमेश्वर आपको असफल क्यों होने देता है? वो चाहता है कि आप असफल हो, वो चाहता है कि आप गिरें, कभी कभी वो चाहता है कि आप गिरें,
क्योंकि वो आपको उठाना चाहता है। Yes. क्योंकि वो आपको उठाना चाहता है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया और ये सोच लिया कि मैं न दास रह गया ना कुछ रह गया, क्योंकि मैंने यीशु मसीह का इनकार किया। जब तीसरी बार उसने इनकार किया, मुर्गे की बांग हुई और सामने देखा यीशु मसीह, रोने लगा कि मैंने क्या किया ये, उसको एहसास हुआ। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद वो ऊपरी कोठरी में था, ऊपरी कोठरी में बंद था, डर रहे थे वो लोग डर गए थे कि कहीं सिपाही ना आ जाएं। आप सोचिए परमेश्वर ने क्यों चुना था उन्हें, यीशु मसीह क्यों उनको बता रहा था। मरने से पहले 7 बार यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मरूंगा और मर के जिंदा हो जाऊंगा, महायाजक मुझे मारेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे, रूपांतरण के पहाड़ से 7 बार यीशु मसीह बता चुका है उनको कि मैं मर के जिंदा होने वाला हूं। क्यों बता रहा था वो? क्योंकि वो चाह रहा था कि रविवार की सुबह उस गुफा में, उस गुफा के सामने मेरे चेले खड़े हों। और पिलातुस के बोले, महायाजकों से बोले, कह रहे महायाजकों देखो अभी मेरा यीशु जिंदा होने वाला है। लेकिन डर गए, अहम, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ये है, खत्म। हालेलुया। और इनकार कर बैठे यीशु मसीह का। जब वो सुबह आई तो ऊपरी कोठरी में थे और मरियम ने कहा कि साहब मेरा यीशु जिंदा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस टूट गया था कि अब ना तो मैं उसका चेला रहा, ना मैं पतरस रहा, ना मैं प्रेरित रहा, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने इनकार किया, मैंने प्रभु को खो दिया। मैं चेला होने के काबिल नहीं हूं, मैंने प्रभु को खो दिया। और 21वां यूहन्ना 21 1-6 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो तिब्रियास झील में बैठा हुआ है। रात का वक्त है, तिब्रियास झील में पतरस अपने दोस्तों के संग, थोमा के साथ, नतयन के साथ, नतनाइल के साथ, याकूब के साथ, यूहन्ना के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस बैठा हुआ है अपने भाइयों के साथ। वहां और भी नाव हैं, सब लोग जाल डाले हुए हैं। और अचानक पतरस एक निर्णय लेता है, एक डिसीजन लेता है कि मैं मछली पकड़ूंगा। आमीन। ये नहीं कि चलो मैं अब चेला नहीं रहा, मैं पतरस नहीं रहा, मैं प्रेरित नहीं रहा, तो कम से कम मैं एक मछुआरा तो अभी हूं। यही आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि आप जो कुछ भी हैं आप अपने बदौलत हैं, अपनी बुद्धि से हैं। हालेलुया। पतरस ने सोचा कि चलो मैं मछली पकड़ूंगा क्योंकि मैं मछुआरा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब उसका चेला होने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मछुआरा तो हूं मैं मछली पकड़ूंगा। पीछे पीछे उसके दोस्त भी आ गए, हम भी मछली पकड़ेंगे। और बाइबल कहती है कि पूरी रात वो मछली पकड़ते रहे लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। आमीन। कुछ भी नहीं हासिल किया। सुबह हुई, यीशु मसीह तट पे थे और उन्होंने कहा, बच्चों तुम्हें कुछ नहीं मिला? उन्होंने नहीं पहचाना कि यीशु मसीह है। उनका यस प्रभु, यह कुछ नहीं मिला, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तुम्हें मिलेगा। और जैसे ही नाव के दाहिनी ओर उन्होंने जाल डाला, मछलियां आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि हम यीशु के बगैर कुछ नहीं है। वो अपने आप को पछुआरा समझता था लेकिन नहीं पकड़ पाया। आप अगर यीशु के साथ हैं, अगर आप यीशु में समर्पित हैं, तो आप देखेंगे यीशु को आपके जीवन में काम करते हुए। हालेलुया।
क्योंकि यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप यीशु मसीह को नहीं मानते हो सकता है आप यीशु मसीह पर इतना विश्वास नहीं करते हो, लेकिन यीशु फिर भी आपके जीवन में काम कर रहा है। यीशु ही काम कर रहा है और कोई नहीं है। आप अपनी बुद्धि पर घमंड मत करिए, अपने मत घमंड करिए कि मैंने ये कर दिया। नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। अभी भी यीशु है आपके साथ, आपके घर में, आपके धंधे पर। कभी भी अपने अंदर घमंड मत लाने दीजिए, इतना सा भी। मैं घमंड करने वालों से डरता हूं, बहुत डरता हूं। नहीं भैया, नहीं, कभी भी मत अपने मुंह से घमंड का एक शब्द भी मत बोलिए। यस, अभिमानियों से प्रभु नफरत करता है, उसका सामना करता है। पहला पत्रस, पांच का पांच। इसी प्रकार हे नविकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सबके सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप अभिमानी हैं, आपका विरोध कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। याद रखिए, अगर आपके अंदर अभिमान है अपने पैसे का, अपने स्टेटस का, अपनी खूबसूरती का, अपनी कला का, मेरे भाई नहीं, परमेश्वर आपका विरोध करता है। कभी भी अपने अंदर अभिमान मत लाने दीजिए। हम जो हैं धन्यवाद। इसलिए दीनता और नम्रता के संग परमेश्वर के चरणों में आइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आ गया था पत्रस में? अभिमान। अभिमान को निकालना चाहता था यीशु मसीह उसके अंदर से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि शैतान ने तुमको मांग लिया है, शैतान ने तुमको गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, और मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तू वापस आए तो इनको सुधारना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उसका विश्वास चला गया था। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका विश्वास चला जाए कि यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हुआ है। शैतान चाहता है कि हमारे अंदर से विश्वास चला जाए। जैसे हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ भी हम अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारा विश्वास कमजोर होना शुरू कर देता है। हमारे अंदर संदेह आता है कि नहीं यार, हो सकता है परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनता है। नहीं 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 यार, अभी नहीं, अभी बहुत हो गया यार, एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ते, चार हफ्ते, मैं उपवास भी रख रही हूँ, दान दशांश भी दे रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, प्रभु प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है। हम क्यों नहीं ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है? आपको पता है, 11 का 6 पढ़िए, मती 11 का 6, मैथ्यू 11:6। कई बार लिखा है, मती 5 में देखेगा आप, 6 में देखेगा, धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है जो विनम्र है, धन्य है जो दयावंत है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। लिखा हुआ ना, धन्य है। यहां पर देखिए मती 11 का 6 क्या लिखा हुआ है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हाँ, धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाए। क्या मतलब हुआ इसका पता? मेरे कारण ठोकर नहीं खाए। वैष्णवी जी, अगर आपका धंधा सही नहीं चल रहा है तब भी आपका विश्वास मुकम्मल है, धन्य है आप। मेरा धंधा नहीं चल रहा तब भी मैं विश्वास करती हूं, मैं यीशु ही मेरा प्रभु है, धन्य है आप। हालेलुया। कई चीजें होती हैं हमारे बस के बाहर हैं, हम परमेश्वर के मार्ग को नहीं समझ सकते, हम परमेश्वर के तरीके को नहीं समझ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरी ठोकरों में, मेरी परीक्षाओं में, मेरे दुख में, मेरे संकट में मैं धन्यवाद देता हूं तो धन्य हूं मैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु कार्य कर रहा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप लोग क्या समझते, आप क्यों आपका नर्वस हो जाते हैं और प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं? हमें प्रार्थना जारी रखनी है और विश्वास के संग, उसी उम्मीद से, उसी विश्वास से जब हमने पहले दिन प्रार्थना शुरू की थी, उसी विश्वास के संग हमें आज भी प्रार्थना करनी है, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, महीने के बाद। आपको पता है वो 10 कोड़ी जो खड़े हुए थे यीशु मसीह से, और एक ही स्वर में बोल रहे थे ऊंची आवाज में कि हे यीशु हम पर दया कर। और जब यीशु मसीह ने कहा जाओ याचकों को दिखाओ तो चले गए, 9 वापस नहीं आया, 1 वापस आया, 1 आया वापस। उसने जो गए थे उनसे एक चीज ज्यादा पाई, उन सब ने चंगाई पाई, इसने उद्धार पाया। हालेलुया। और इसने आकर उसी ऊंची आवाज में धन्यवाद कहा। हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि हम मांगते तो ऊंची आवाज में हैं और धन्यवाद देने में हम बहुत धीमे हो जाते हैं। गवाही भी देती है, देखिए यहां कितनी गवाहियां होती हैं, इतने महीनों की बुखार चले, हाँ चला गया, किसने ठीक किया? यीशु मसीह ने। अरे आपसे कोई पैसे नहीं लिए गए, कुछ नहीं किया गया, आपकी बीमारी चंगी हो गई, कम से कम ऊंची आवाज में उसका धन्यवाद तो करिए। क्यों नहीं करते हैं हम? आप परमेश्वर का सामर्थ कब महसूस करेंगे पता? जब छोटे से छोटे चमत्कारों को ऊंची आवाज में दुनिया के सामने बखान करिए। छोटे से छोटे अपने परमेश्वर के उपकारों को। इसलिए दाऊद अपने मन से कहता है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कहे। वो अपने मन को शिक्षा दे रहा है, दाऊद अपने मन को शिक्षा दे रहा है, दाऊद ऐ मन यहोवा को धन्यवाद कहे। तेरे अंदर धन्यवाद की आत्मा आए। हमें भी अपने आप को, अपने मन को शिक्षा देनी है, संदेह की आत्मा को लाना है, निकालना है, तभी हम वो फलवंत प्राप्त कर, फल प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप फलवंत हो जाएंगे, तभी हमारे अंदर फल होगा, हमारे पत्ते हरे भरे होंगे लेकिन फल के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा हम जुड़े नहीं रहेंगे। यूहन्ना 15:5, जब तक ये फल हमारे अंदर नहीं होगा हम जुड़े हुए नहीं रहेंगे। याद रखिए 15:5, मैं दाख लेता हूं तुम डालियां हो, जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर से अलग होकर आप अपनी बुद्धि से कुछ कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, जब हम उसमें एक हो जाएंगे, हालेलुया, और वो मुझमें हो जाएगा, क्या आप सोचते हैं ऐसी स्थिति में आप के पास फल ना हो? प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी ऐसा मन में मत लाइए, अपनी पवित्रता पर विश्वास करिए रोज। अगर आप अपनी पवित्रता पर रोज विश्वास करेंगे तो आप गलत अपवित्र चीज अपने अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि शैतान आपके अंदर विश्वास लेकर आता है कि नहीं आप पापी हैं, अभी भी आप में पाप है, अभी भी आप गलत सोचते हैं, अभी भी आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है आप पवित्र हैं। कौन बाइबल को मानता है? बाइबल कहती है मैं पवित्र हूं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरे पापों को भूल चुका है। हालेलुया, इब्रानियों 8:12, वो भूल चुका है, इब्रानियों 8:12,
क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और अपने उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। नहीं करूंगा, वो बोल रहा है, वादा कर रहा है कि मैं आपके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। जब परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं करता है तो आप क्यों याद करते हैं? कौन याद दिला रहा है आपको? दो तरीके से आप याद करते हैं, एक तो आपका विवेक याद दिला रहा है और एक शैतान याद दिला रहा है। आप पाप में थे, आपने गुनाह किया था, आपने व्यभिचार किया था, अब नहीं है। अब मेरा इशू मेरे पाप को लेके जा चुका है। आमीन। इस विचार की शक्ति हमारे अंदर होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर ये शक्ति नहीं होगी तो आप में पाप आता रहेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं पापी हूं, मैंने इतना पाप किया, थोड़ा और सा पाप कर लूं, थोड़ा सा और पाप कर लूं, थोड़ा और फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा झूठ बोलकर अगर मुझे ये मिलता है, इसमें क्या हुआ? क्योंकि आप समझते ही नहीं कि आप पवित्र हैं। अगर आप ये समझेंगे कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हूं तो छोटे से छोटा भी झूठ आप नहीं बोलेंगे। अपने छोटे से छोटे काम के लिए आप नहीं जाएंगे। अगर आप ये महसूस करेंगे मैं पवित्र हूं, प्रेज द लॉर्ड, ये आपको महसूस कर रहा है। आपकी धार्मिकता क्या है? अपनी पवित्रता। वो कहता है पहले धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। सारी चीजें जिनके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अपने लोगों के सामने, मालिकों के सामने नीचे नतमस्तक कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। इसलिए याद रखिए कि सिर्फ आपकी डाली में फल, पेड़ पत्ते ना हो, फल हो। इसलिए कोशिश करिए। बहुत अच्छी बात है कि प्रेज लॉर्ड बोलना, हालेलुया बोलना, सबको नमन करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन पे चलना भी उससे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को जांचिए कि आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अपना इनकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रोज रोज बोल रहा है, रोज हमें अपना इनकार करना है, प्रतिदिन हमें उसका अनुसरण करना है, प्रतिदिन हमें उसके अनुसार चलना है, प्रतिदिन बोल रहा है वो। तब आपके अंदर वो पाप पवित्रता की शक्ति होगी, तब आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, आप बोलेंगे वो होगा। हालेलुया, विश्वास करिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार काम होगा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा होगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपका विश्वास है मेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा, पाएगा, मेरे बच्चे परिवर्तित होंगे, होंगे। आपने विश्वास किया, क्योंकि पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि मैं पवित्र हूं, मैं मसीहा हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, कोई भी अपवित्रता मेरे अंदर नहीं है, कुछ भी अपवित्र मेरे अंदर नहीं है। ये आपको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा, तब आप वो उस विश्वास के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अच्छा लगा आपको? आमीन। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, अपने आप की शक्ति को समझिए, अपनी जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसकी कदर करिए। आप बहुत बहुमूल्य हैं प्रभु के लिए। इसलिए छोटा छोटा जो शैतान आपके मन में डालता है कि आप में ये नहीं है, ये नहीं, शैतान को बोलिए हटा शैतान, मेरा प्रभु मेरे लिए मरा, मर के जिंदा हो गया, मेरा इशू मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते, बुद्धि ज्ञान और समझ मांगते, जो वचन मेरे द्वारा आपने दिए वो वचन इनके जीवन में काम करें, आपका आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना आपने सुनने को भूल की। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन, 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 आमीन।